आज रामपुरा मोहल्ला भद्रोवा रोड की वाटर सप्लाई की टंकी की स्लैब नीचे गिरी, जिससे किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मौके पर जाकर देखा तो टंकी के ऊपर से दो स्लैब नीचे गिरी थी। वार्ड नंबर 23 के पार्षद जुगल किशोर ने बताया कि इस टंकी को बने हुए 40 साल के करीब हो गए। जब से ये टंकी बनी है तब से अभी तक इसका कभी प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अभी तक पानी ऊपर चढ़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से जो मौत का ढांचा खड़ा किया है, कृपा करके इसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि हर 6-5वें दिन कोई न कोई स्लैब नीचे गिरी होती है। इस टंकी के नीचे कोई न कोई सत्संग, जागरण, विवाह का समारोह होते रहते हैं। इस तरह स्लैब के गिरने से कहीं भारी जान और माल का नुकसान ना हो, इसलिए प्रशासन से निवेदन की इस टंकी को गिराया जाए। नंबर 22 पुदरा रोड से टंकी जड़ी है, पिछले 40 साल तो बनी है और जी मेरा ख्याल है कि मनाद खत्म हो चुकी है। कई बारी प्रशासन नू एमएल साहब भी इतने आए, उन्होंने भी सारे नू कहा कि इस जादे नू कोई सेफ्टी करो, इहदा कोई हल करो, जां इहनू ढा दिओ, गिरा दिओ, तां कि इत्थे पार्क बन जाए, बच्चे खेडन। ते पर इत्थे दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई स्लैब जिहड़ी आ उत्थों डिग पैंदी है। अज तक लगभग 10-12 स्लैबां जिहड़ियां उत्थों गिर चुकियां ने और बार बार प्रशासन नू कहण दे बावजूद, और हुणे हुणे मेरी SDO जिहड़े SDC सीवरेज बोर्ड दे उहनां नाल भी गल होई है, उह कहिंदे सानूं भी पता है भई डिग रहीआं, भई असीं बैरीकेडिंग कर दांगे, पर साडे कोल अजे कोई पैसा ही नहीं। जदों तक पैसा आएगा, जिहड़ा पैसा आया सी अंदर दी रिपेयर वास्ते सी, उह असीं लगा चुके हां। इस करके सारे महल्ले दी और लोकां दी जान माल दी रक्षा लई हत्थ जोड़ के प्रार्थना है प्रशासन अगे, MLA साहब अगे, मेयर साहब अगे, सारे अगे, इस नू चिटा दी खड़ा किता है, जां ते इहनू ठीक करो, चलाओ इहनू, ते जां इहनू गिराओ, तां कि लोकी इहदा कोई जगह दा पार्क दा फायदा लै सकण। क्योंकि जाखड़ साहब ने पिछे 5 लाख रुपया इस पार्क दी रिपेयर वास्ते दित्ता सी, पर फायदा की जे पार्क काम ही ना आए लोकां दे, ठीक है नी। ए जिहड़ा बड़ा कोई हादसा हो जाए, कल अजे 5-7 दिन पहले ही ते कीर्तन होया, बड़ा वड्डा जग होया, बच्चे खेडदे आ, ते इत्थे कोई इदां दा हादसा होया, जरूरी कोई हादसा होएगा ते फिर ही प्रशासन ने जागना। इस नू इस जिहड़ी महल्ले दी जिहड़ी मुसीबत है इहनू दूर करन। वार्ड नंबर 22 के प्रधान विजय कुमार ने बताया कि ये टंकी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उन्होंने बताया कि MLA अमित विज ने जहां पार्क के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की राशि पास की थी। साडे काउंसलर जुगल किशोर जी ने जो किया ये बहुत सही है, कि अक्सर इस तरह ही होंगे कि जिसले कोई हादसा हो जाता उसले सरकारां जागदियां जां डिपार्टमेंट जागदा। इत्थे रोजाना 1 या 2 स्लैबां पिछले कुछ दिनों तो डिग रही हैं। हुण भी असीं आए तो कुछ बच्चे थले खेड रहे, उन्होंने परे हटाया। जे इस तरीके किसी वेले कोई बच्चा थले आया जां तो लंघदा कोई बंदा ਉਹਦਾ ਹਾਦਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਲੈਬ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਔਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਲਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਜੂਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।